हेलो फ्रेंड, आज मैं मखाना का खीर बना रही हूँ दोस्तों, जो व्रत में ज़्यादा खाया जाता है। आप ऐसे भी नॉर्मल दिन भी खा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना है, मैं अभी दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने थोड़ा ड्राई फ्रूट ली हूँ। एक कढ़ाई में देसी घी डाली हूँ। ड्राई फ्रूट को थोड़ा भूनूंगी। बादाम से छिलका निकाल चुकी हूँ दोस्तों। गैस को स्लो रखें। अब इसे लगातार चलाते रहें। किशमिश बाद में डालूंगी, वो बहुत जल्दी जल जाता है। अब ये तैयार हो गया है, मैं इसे निकालूंगी। अब एक कढ़ाई में मखाना डालकर उसे भी भूने। कढ़ाई में पहले से घी है, इसमें बहुत थोड़ा ही घी में भुना जाता है। इसे 1-2 मिनट लगातार चलाते रहें। गैस को स्लो ही रखें दोस्तों। अब मैं 1 लीटर दूध ली हूँ। कढ़ाई में घी लगा हुआ था इसलिए मैंने पानी नहीं डाली हूँ कढ़ाई में, नहीं तो दूध जलेगा। अब दूध को लगातार चलाते रहें। अब मैं मखाना को दरदरा पीस लूँगी। मुझे इसी तरह का मखाना चाहिए। ये देखिए दूध आधा हो चुका है। मैं इसे कढ़ाई के अगल बगल से भी निकाल रही हूँ मलाई इसका। मैं छोटी इलायची डाली हूँ। केसर का पानी डालें, केसर डालें। भुना हुआ मखाना डालें। अब इसे लगातार चलाते रहे दोस्तों। ड्राई फ्रूट भी डाल चुकी। ये देखिए अभी दूध पतला है दोस्तों। अभी मैं इसे 1-2 मिनट और बनाऊंगी। इसे छोड़े नहीं, नहीं तो नीचे लगेगा। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है दोस्तों। अब मैं चीनी डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार। 1 मिनट और पकाऊंगी। ये देखिए अब कितना गाढ़ा हो गया है। ये खीर बहुत स्वादिष्ट बना है दोस्तों। एक बार इस तरह से बनाएं, बहुत टेस्टी लगेगा। ये शाही खीर हो गया है दोस्तों। मैं अभी प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ कितना अच्छा हो गया है। इसे फ्रिज में रखने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए हल्का ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो गया है। बिल्कुल ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। प्लीज़ प्लीज़ धन्यवाद।